नमस्ते हिंदुस्तान, नमस्ते वर्ल्ड। हम बलराम किसान हैं और आप हैं किसान पाठशाला पर। कुछ मित्र बिहार से हैं जो किसान पाठशाला की गाइडलाइन पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आइए उनको सुनते हैं और फिर उन्होंने जो एक वीडियो भेजा है उसको समझकर हम भी सीखते हैं। नमस्कार भैया, मैं नाहिद किसान बिहार से, किशनगंज जिला से। ओके। मैं केला का पौधा लगाया हूँ जी 5x7 पर। ओके। जो कि मेरा कुछ कुछ जो नया जब ये पत्ता मार रहा है उसमें सूख रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है जी हमको बताइएगा। ओके। हमने जिक जिक लगाया है और बीएम स्प्रे हम कर रहे हैं। बीएम स्प्रे आप कर रहे हो, ठीक है। इसमें खाद उद अभी नहीं दी, खाद अभी दिया नहीं है। इसका प्लांटेशन 1 जनवरी का है। ओके। तो देखिए, बिहार में 1 जनवरी को किसान पाठशाला की गाइडलाइंस पर किस तरह से पौधा लगता है 5x7 में। एकदम सही लगाया है, नाली और पाली जो बतलाया जाता है उसी तरीके से है। सारे किसानों को अगर मैं बतलाऊं तो नाली और पाली की जो पद्धति है, पाली एकदम छोटी होना चाहिए, नाली बड़ी होना चाहिए, फिर पाली छोटी होना चाहिए, नाली बड़ी होना चाहिए, पाली छोटी होना चाहिए, नाली बड़ी होना चाहिए। यह एक सही प्रक्रिया है प्लांट लगाने के लिए। जो भी ड्रिप इरिगेशन जिनके पास नहीं है, जो फ्लड इरिगेशन से बनाना फार्मिंग करते हैं या पपाया फार्मिंग करते हैं, जो भी फार्मिंग करते हैं, खास तौर पर उत्तर भारत के लिए है ये। इसी को हम आगे अगर चर्चा में लें तो आपको समझ में आएगा कि एक में पानी देना है, एक को खाली रखना है, फिर एक में पानी देना है, फिर एक को खाली रखना है। अगर इस आइडियोलॉजी से आप फार्मिंग करते हैं, अगली बार अल्टरनेट जब पौधा पानी मांगे तो फिर इसमें पानी देना है, इसको खाली रखना है, फिर इसको खाली रखना है, इसमें पानी देना है, ओड इवन टाइप। ये छोटा सा सिंपल सा तरीका है। तो इससे होगा क्या होगा, ये कि पौधे के पास एक तरफ नमी होगी, जब पानी हम भरण करते हैं तो पूरा गीला होता है, तो दूसरी तरफ क्रेक आएंगे। जब दूसरी तरफ पानी भरण हम करेंगे तो पहली तरफ क्रेक आएंगे। तो पौधा हवा और पानी बराबर मात्रा में लेगा, 25% हवा 25% पानी अगर रहता है पौधे की जड़ों की कक्षा में, तो वह बहुत अच्छी ग्रो करता है। आइए इनका पहले वीडियो देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट चल रहा है, पत्ता बढ़ रहा है। उत्तर भारत में सभी किसानों के पास आई थिंक फ्लड इरिगेशन है, ड्रिप है नहीं, और ड्रिप वहाँ चलती भी कम है। बहुत ही बढ़िया। अगर इस प्लांट को हम देखेंगे तो इसमें कुछ यहाँ पर इल का प्रकोप दिख रहा है, इल खाया हुआ दिख रहा है। पत्ते, नए पत्ते बहुत अच्छे खुल रहे हैं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यह एक जो आप पूछना चाह रहे थे, शायद इसका पूछ रहे होंगे, तो यह सनबर्न का असर है, यह कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपने मिट्टी लगाई होगी उसका मिट्टी का छींटा, मिट्टी का कीचड़ यहाँ पर लगा होगा, उसके कारण यह दिक्कत आई होगी। बिहार किसान पाठशाला की आइडियोलॉजी पर चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो कत्थई धब्बा है यह अच्छा सिंबल है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इस प्लांट में भी अगर देखेंगे, यहाँ पर जो ये कत्थई धब्बा आ रहा है यह मैच्योरिटी का सिंबल है, यह आना चाहिए वरना दिक्कत है कुछ। ये जो एक चीज दिख रही है इस प्लांट में, सनबर्न, ये जो काला काला दिख रहा है यह धूप का असर है। और साथ में पत्ता बहुत ही अच्छा है, ये जो धब्बे दिख रहे हैं ये मिट्टी के स्प्रे के हैं। बहुत अच्छा सिम्टम्स है, कोई दिक्कत नहीं है। यह वीएम स्प्रे के धब्बे दिख रहे हैं, ये जो भी है ये जो है धब्बे, ये गर्मी से बचाएगा, नया पत्ता बड़ा आ रहा है, बहुत ही सही लक्षण है। बहुत बढ़िया। पूरे बिहार में एक बहुत बड़ी दिक्कत है पनामा विल्ट की, और मैं जिस आइडियोलॉजी को बतला रहा हूँ कि एक नाली में पानी देना है, एक को खाली रखना है, फिर एक में पानी देना है, अल्टरनेट, फिर जिसमें पानी दिया था उसको खाली रखना है, अगली में पानी देना है, इस आइडियोलॉजी से चलेंगे तो पूरे बिहार में पुनः केला इस्टेब्लिश होगा और किसान पाठशाला पूरे बिहार के साथ चलने के लिए रेडी है।
आप पूरे बिहार वासी जो भी किसान पाठशाला को समझना चाहे, सुनना चाहे, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें और मैं आता हूं और वहां पर क्रॉप डॉक्टर और अपने चैनल पार्टनर की डिज़ाइन करते हैं। 8827738222। कुछ समय में मेरा बिहार का राउंड लगने वाला है। सो बिहारी मित्रों से निवेदन है, जो 100% किसान पाठशाला की गाइडलाइन पर चलना चाहता है और क्रॉप डॉक्टर बनना चाहता है, वो इस नंबर पर संपर्क करें, हम पहुंचेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। और आपको यह प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो किसानों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बनाना फार्मिंग जो बिहार से गायब हो रही है, उसे हम पुनः इस्टेब्लिश करें बिहार में। और सिंपल सा तरीका है नाली और पाली पद्धति, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। नमस्कार।